हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में थेवेनिन थ्योरम ये टॉपिक का 8th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर बाय थेवेनिन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। पहले हम सर्किट में चेक करेंगे कि क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दो लूप है, ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप, और ये जो सेकंड लूप है इसमें जो लास्ट एंड्स है एंड ए एंड बी यानी टर्मिनल ए एंड बी उसके बीच में यहाँ पे लगा है 10 ओम और हमें बस यही 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 10 ओम रजिस्टर। तो अगर आपको यहां से करंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम तो हमें इसको कुछ स्टेप्स में सॉल्व करना होता है। यहां पे टोटल 3 स्टेप्स रहेंगी, 3 स्टेप्स में हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ ZTH। ZTH पहला स्टेप होता है, ZTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस। लेकिन जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं यहां पे इंपीडेंस यहां पे हम नहीं कहेंगे, हम इसके जगह पे हम यहां पे RTH ऐसा कहेंगे क्योंकि सर्किट में देखो सिर्फ रेजिस्टेंस है, यहां पे भी हर जगह कहीं यहां पे इंडक्टेंस है क्या, कहीं कैपेसिटेंस है क्या, नहीं। इसका मतलब RLC अगर ये फॉर्म में अगर हो और अगर आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे तब जाके आप ZTH ऐसा कहेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ R है तो आप इसको RTH ऐसा कहेंगे, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप इसको ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप रहेगा टू फाइंड दैट इज VTH, ये स्टेप नंबर 2 रहेगा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये दो स्टेप्स में आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करना है। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 जो होता है वो होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। फिर आपको उसमें एक सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें RTH और VTH दोनों को शो करना है और फिर वहां पे ये 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट आपको फाइंड आउट करना है। ये जो 10 ओम है वो हो जाएगा ZL यानी लोड इंपीडेंस। यहां पे ये है एक्चुअली लोड और ये लोड का इंपीडेंस दैट इज 10 ओम। तो ये लोड इंपीडेंस में से फ्लो होने वाला करंट, लोड करंट IL, ये हमें फाइंड आउट करना रहेगा, वो स्टेप नंबर 3 में रहेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको ये 10 ओम शो नहीं करना है, स्टेप नंबर 2 में भी आपको ये 10 ओम शो नहीं करना है। जब हम स्टेप नंबर 3 में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जब हम ड्रॉ करेंगे ना वहां पे ये 10 ओम शो करेंगे और फिर वहां पे हम IL फाइंड आउट करेंगे तब जाके प्रॉब्लम पूरा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो पहला स्टेप यहां पे स्टेप नंबर 1 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ RTH। अब RTH फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या है पहले वो समझ लो। RTH फाइंड आउट करने के लिए रूल ये है कि पर्टिकुलर गिवन सर्किट में आपको क्या करना है, जो आउटपुट टर्मिनल्स है उसको ओपन करना है और वही ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको RTH फाइंड आउट करना है और जितने भी यहां पे सोर्सेस है उनको डीएक्टिवेट करना है। अगर कोई वोल्टेज सोर्स हो तो उसको डीएक्टिवेट करके उसको शॉर्ट करो और अगर कोई करंट सोर्स हो तो उसको डीएक्टिवेट करके उसको ओपन करो। तो यहां ये देखिए ये वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, यहां पे 12 वोल्ट है वोल्टेज सोर्स। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ RTH के टाइम यहां पे सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे और आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन करेंगे। तो ये देखिए ये हम यहां पे उसका सर्किट जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे आप चेक कर सकते हैं जो आउटपुट ए एंड बी उसको हमने ओपन किया है, ठीक है, और सोर्सेस को यहां पे डीएक्टिवेट किया है। देखो यहां पे वोल्टेज सोर्स था, हमने उसको डीएक्टिवेट किया है और इसको रिप्लेस किया है बाय शॉर्ट सर्किट। देखो यहां पे शॉर्ट सर्किट कर लिए और यहां पे भी वोल्टेज सोर्स था, हमने उसको रिप्लेस किया बाय शॉर्ट सर्किट। देखो यहां पर इस तरह से, और ये 5 ओम, 2 ओम, 8 ओम एज इट इज वही का वही रहेगा। तो ये देखिए ये है 5 ओम, ये है 2 ओम और ये 8 ओम, ये एज इट इज। और यही ओपन टर्मिनल ए बी के अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है, RTH फाइंड आउट करना है। इसी के अक्रॉस यहां पे हमें RTH फाइंड आउट करना है, ये ध्यान में रखो, ए बी के अक्रॉस, ठीक है। तो ये सर्किट यहां पे बनके तैयार है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें यहां पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सीरीज पैरेलल के जो रूल्स होते हैं वो हमें यहां पे अप्लाई करना है। बिटवीन ए बी हमें RTH फाइंड आउट करना है। तो देखो यहां पे 5 ओम और 2 ओम दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। तो 5 और 2 का पैरेलल का आंसर आपको यहां पे लिख लेना है। कैलकुलेशन आप चाहे तो लिख के रखो, 5 और 2 अगर पैरेलल में है तो ऐसा होगा 5 × 2 डिवाइडेड बाय 5 + 2, ठीक है ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली 10/7, तो आप पॉइंट में लिख लो तो चलेगा। तो ये हो जाएगा दैट इज 1.428। तो हम यहां पे इसका वैल्यू लिख लेंगे 1.428 ओहम। ये 5 ओहम और 2 ओहम को पैरेलली सॉल्व किए और ये जो 8 ओहम है ये एज इट इज रहेगा,
ठीक है, ए तो हम ये हमने यहां लिख दिए और ये न्यू स्टेज यहां पे बनके तैयार है। अब ये दोनों सीरीज में है, ए तो हम और 1.428 ये दोनों सीरीज में है, तो इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.428 ओहम। तो फाइनली हमें बिटवीन ए बी टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो पता चल गया, बिटवीन ए बी टोटल रेजिस्टेंस है 9.428 ओहम। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि देयर फोर आर टी एच, यहां पे ऐसा लिख लो, therefore that is RTH जो ये स्टेप नंबर वन में हम फाइंड आउट कर रहे हैं 9.428 ओहम। स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको कहा था कि ये प्रॉब्लम टोटल तीन स्टेप्स में सॉल्व करना है, उसमें से पहली स्टेप यहां पे सॉल्व कर ली है हमने, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी यानी RTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हमने फाइंड आउट कर लिए 9.428 ओहम, पहली स्टेप हो गई। ठीक है, समझ में आया स्टेप नंबर वन। और अब चलो स्टेप नंबर टू की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर टू है कैलकुलेशन ऑफ VTH, और VTH के टाइम भी आपको इसी तरह की सर्किट फिर से ड्रॉ करना है। VTH के लिए रूल क्या है, तो VTH फाइंड आउट करने के लिए रूल ये है कि फिर से आउटपुट टर्मिनल्स को ओपन करना है, लेकिन जो सोर्सेस आपने डीएक्टिवेट किए थे उनको फिर से यहां पे एक्टिवेट करना है। मतलब ये वोल्टेज सोर्स शो करेंगे, ये भी वोल्टेज सोर्स शो करेंगे, बस आपको क्या करना है, ये एंड ए बी को ओपन करना है और वही ओपन एंड्स के बीच में आपको VTH यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे लिख लेंगे स्टेप नंबर टू। तो ये हमने यहां लिखा है स्टेप नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ VTH। और अब देखो जैसा हमने कहा था सर्किट आपको फिर से यहां पे ड्रॉ करना है, बस ए और बी को ओपन करना है, तो ये हमने बस एंड ए बी को यहां पे ओपन किया है, बाकी सब कुछ जो है वो एज इट इज रहेगा। ये 8 ओम, देन ये 12 वोल्ट, देन यहां पे है 2 ओम एज इट इज, ये है 5 ओम एज इट इज, और ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये सब कुछ यहां पे एज इट इज शो किया है। और जैसा हमने कहा था ये ओपन एंड्स के बीच में आपको VTH फाइंड आउट करना है, ए बी के अक्रॉस आपको VTH फाइंड आउट करना है। तो ये चलो अब हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट होगा अब ये, तो जाहिर सी बात है यहां पे देखो ये एंड्स ए बी ओपन है, इसके अक्रॉस अगर आपको VTH फाइंड आउट करना है तो इसके पैरेलल में देखो यहां पे ये एक ब्रांच है 2 ओहम, तो क्या करो पहले ये 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करो, क्योंकि यहां पे भी एक वोल्टेज सोर्स है, देखो यहां पे 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसका प्लस इधर है माइनस इधर है। ठीक है, तो अगर आपको VTH फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 12 वोल्ट और इसके अक्रॉस का वोल्टेज दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा, VTH फाइंड आउट करने के लिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज करो तो आपको VTH मिल जाएगा। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए ये जो लूप है ना, ये लूप में KVL अप्लाई करो। देखो ये लूप में ऐसा क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन यहां पर ले लो, ये करंट को कहोगे यहां पर करंट आए। ठीक है, तो क्या करो, ये लूप में पहले KVL अप्लाई करो और KVL अप्लाई करके करंट I फाइंड आउट करो, यही करंट I जो है ये 2 ओहम में से फ्लो होगा। देखो ये जो 2 ओहम है इसमें से यही करंट I फ्लो होगा, अगर आपको 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया तो आसानी से फिर आप 2 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालने के लिए ठीक है इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना जरूरी है, और ये करंट जो है ये वही रहेगा जो ये लूप करंट है। देखो ये लूप करंट ही आय है जो कि 2 ओम में से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो चलो यहां पे KVL अप्लाई करो ये लूप में, तो ये लूप में कितने एलिमेंट्स है, ये लूप में टोटल 3 एलिमेंट्स है, ये 5 ओम, ये 2 ओम और ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यहां पे KVL अप्लाई करेंगे तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे अप्लाई KVL, देखो यहां से लिखते हैं अप्लाई KVL, तो यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स के साथ स्टार्ट करो, वोल्टेज सोर्स में देखो करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू यहां पे माइनस में लो, -20, उसके बाद 5 ओहम और 5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, 5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 5 इंटू आई, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 5 इंटू आई, और ये 2 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, सो 2 इंटू आई, सो प्लस 2 इंटू आई इक्वल टू 0। देखो आपको KVL आना चाहिए, अगर आपको KVL अप्लाई करते नहीं आता है तो फिर आपको थेवेनिन थ्योरम में दिक्कत जाएंगी। इसके पहले हमने वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे KVL के ऊपर, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, आपका KVL का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरह से यहां पर अप्लाई करना है। तो ये देखिए, देखो ये जो हमने इक्वेशन तैयार किया है ना, इसका आप अपोजिट दैट इज उल्टा इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ बुक्स में ऐसा इक्वेशन दिया है तो कुछ बुक्स में इसका उल्टा इक्वेशन दिया है। उल्टा मतलब ये प्लस में रहेगा, ये दोनों माइनस में रहेंगे। ठीक है, ये प्लस ये दोनों माइनस किए ना,
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही है, ये भी सही है। आप इसको आप इसके थ्रू सॉल्व करो, इसके थ्रू भी वही आंसर आएगा, उसके थ्रू भी वही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवीएल अप्लाई करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है। ठीक है, कोई भी वे से आप केवीएल अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहां पे ये वोल्टेज सोर्स में करंट जो है ये निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है, इसलिए वोल्टेज सोर्स का वैल्यू माइनस मिली है। उसके बाद इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमने ऐड किया। बस इसको सॉल्व करो, करंट आई मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा 7i इक्वल टू 20, ये 20 को 7 से डिवाइड करो तो करंट आई मिल जाएगा। तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे, 20/7 तो ये आ चुका है 2.857 एम्पियर। ये है करंट आई फ्लोइंग इन द लूप, और अगर ये करंट आई लूप में फ्लो हो रहा है तो यही करंट आई 2 ओम में से भी फ्लो होगा। देखो हमने कहा था कि ये 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट आई फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लिए, ये 2 ओम में 2.857 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अब ये 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, तो 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए 2 × ये करंट करो। ठीक है ना, तो आसानी से इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। और अब आपको VTH अगर निकालना है तो फाइनली देखो VTH के लिए स्टेप यहां पे लिख लेते हैं। सो VTH देखो, VTH निकालने के लिए हमने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, VTH निकालने के लिए ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज दोनों को माइनस करना है। तो हम यहां लिख लेंगे 12 माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा 2 × 2.857। देखो ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इधर भी वोल्टेज सोर्स है, इधर भी वोल्टेज है, तो ये दोनों वोल्टेज को माइनस करेंगे तब जाके आपको VTH मिलने वाला है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज 12, ठीक है, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज 2 × I। ये देखो, अब आप कहेंगे कि यहां पे 8 ओम में 8 ओम भी है, तो 8 ओम का 8 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप नहीं लिए, आपको 8 ओम को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि देखो ये ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दोनों एंड्स ओपन है। अगर यहां पे एंड्स ओपन है तो 8 ओम में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप इनडायरेक्टली 0 है, इसलिए हमने उसको नहीं लिए। समझे, सिर्फ इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप माइनस इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये ऐसा लूप बनता है इनडायरेक्टली, इस तरह का ये लूप बनता है ना, इसलिए बस ये दोनों को माइनस करो। देखो ये क्या आता है, तो ये हम करेंगे 12 माइनस ब्रैकेट में 2 × 2.857, तो ये आ चुका है दैट इज 6.286। तो ये हम यहां लिख लेंगे VTH, VTH जो हमें चाहिए 6.286 वोल्ट। सो फाइनली VTH हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, यानी स्टेप नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया। हमने आपको कहा था टोटल ये प्रॉब्लम 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। पहला स्टेप होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RTH, ये हमने पहले निकाले स्टेप नंबर 1 में। सेकंड स्टेप होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH, ये हमने यहां निकाल लिए। ओके, और अब रहेगा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, और वो सर्किट में RTH VTH शो करना है, और फिर वहां पे ये 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट IL फाइंड आउट करना है। देखो ये 10 ओम अभी तक हमने ना इसमें शो किया है ना इसमें शो किया है, वो इसीलिए क्योंकि वो जो 10 ओम है वो है लोड इंपीडेंस, इंपीडेंस बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, वो है लोड रेजिस्टेंस। तो वो लोड रेजिस्टेंस आपको वो स्टेप नंबर 3 में शो करना है। तो चलो अब हम यहां स्टेप नंबर 3 का सर्किट बनाएंगे। तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिखा है स्टेप नंबर 3 थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, और अब देखिए ये हमने सर्किट यहां पे ड्रॉ किया है, जो हमने कहा था कि VTH और RTH का यूज करना है। तो ये है VTH जो कि एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, और ये है RTH, और अब जो है ये दोनों सीरीज में लगा है, और ये है लोड रेजिस्टेंस जो कि ए एंड बी के अक्रॉस, और उसी में से फ्लो होने वाला करंट आई हमें फाइंड आउट करना है। और यहां पे करंट आई फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करना है। सो करंट आई देखो लोड करंट, ठीक है, करंट आई इक्वल टू यहां पे फार्मूला देखो, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है VTH बाय ZTH प्लस ZL ऐसा है, लेकिन Z के फॉर्म में नहीं, हम R के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये RTH प्लस RL, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ये है लोड रेजिस्टेंस RL, तो ये है RL, ठीक है, इस तरह से। तो बस यहां पे वैल्यूज पुट अप करो। सो VTH हमने जो सॉल्व किए थे वो है 6.286, ठीक है, और RTH जो है 9.428 एंड RL है 10 ओम। तो बस ये हमने पुट कर लिए, और यहां पे बस इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 6.286 डिवाइडेड बाय ये 19.428,
तो ये आ चुका है, दैट इज 0.323 एम्पियर। तो हम यहां पे लिख लेंगे 0.323 एम्पियर। अगर आप ये फार्मूला भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, बस यहां पे केवीएल अप्लाई करना है। अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगा और यही फार्मूला बन जाएगा। और फाइनली ये देखो करंट आई हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओहम, सो 10 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट है 0.323 एम्पियर, और ये हमने सॉल्व किए बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये 2-3 बार एग्जाम में आया था। ये था थेवेनिन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले जो हमने इसके 7 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।